हाय बच्चों, आज हमारा पाठ है दयालु राजकुमार। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि पशु पक्षियों का रक्षा करनी चाहिए और जीव जंतुओं को बचाना चाहिए। इस पाठ देख लेंगे बच्चों। आपने गौतम बुद्ध का नाम तो सुना ही होंगे। उसका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उसके पिता शुद्धोदन वहाँ के राजा थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो बच्चों, कपिलवस्तु का राजा शुद्धोदन था। शुद्धोदन का पुत्र ही गौतम बुद्ध था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन में एक घटना घटित। प्रातः का समय था। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। पक्षी चहचहा रहे थे। सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहे थे। अचानक पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया। उसके चीखने चिल्लाने का आवाज़ आने लगी। तो बच्चों, सिद्धार्थ का बचपन में एक घटना घटी थी। प्रातः समय बोले तो अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह में रंग बिरंग फूल खिले थे और पक्षियों का आवाज़, पक्षी चहचहा रहे थे। तो उस समय पक्षियों का आवाज़ सुनते हुए, रंग बिरंग फूल देखते हुए सिद्धार्थ ने गार्डन, उस बगीचे में घूम रहा था और अचानक उस पक्षियों का आवाज़ बंद हो गई। चहचहाना आवाज़ बंद हो के चीखने चिल्लाने के आवाज़ आने लगा था। तभी एक हंस सिद्धार्थ के पैरों के पास आकर गिरा। हंस के शरीर में तीर लगा हुआ था। वह तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने हंस को उठाया, प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरा, फिर धीरे धीरे तीर निकाला। सिद्धार्थ ने हंस का गांव धोया और पट्टी बांधी। हंस की तकलीफ कुछ कम हुई। सिद्धार्थ की गोद में हंस को आराम महसूस हो रहा था। तो सिद्धार्थ ने आश्चर्य से देख रहा था, क्या हुआ बोल के देखते समय अचानक एक हंस आके सिद्धार्थ के पाँव के पास गिरा था। तो उस हंस को तीर लगा हुआ था। तीर बोले तो क्या बच्चों? तीर बोले तो बाण, एरो। तो तीर लगने से हंस ने तड़पता रहा था, दर्द से तड़पता रहा था। तो सिद्धार्थ क्या करा, उस हंस को ऊपर उठाया। ऊपर उठाकर प्यार से पंखों पर हाथ फेरा और धीरे धीरे उस तीर को बाहर निकाला था। तीर को बाहर निकालने से हंस को थोड़ा चैन मिला था। हंस का तकलीफ कुछ कम हुआ था और हंस को सिद्धार्थ के गोद में आराम महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही सिद्धार्थ का भाई देवदत्त दौड़ा दौड़ा आया। वह आते ही बोला, यह हंस मुझे दो, यह मेरा शिकार है। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, नहीं, मैं हंस नहीं दूंगा, यह हंस मेरा है, यह मेरे शरण में आया है। दोनों में बहस होती रही। उन्होंने राजा के फैसला करने के लिए बात मान ली। तो क्या हुआ, सिद्धार्थ तीर निकालने से हंस आराम हो रहा था ना, तो अचानक क्या हुआ था, सिद्धार्थ का भाई देवदत्त दौड़ता दौड़ता सिद्धार्थ के पास आया था और कहा था कि यह हंस मेरा है, यह हंस मुझे दो, इसने मैंने मारा। ऐसा कहने पर सिद्धार्थ ने कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, यह हंस तो मेरा शरण में आया है, मैंने इसे बचाया, मैं नहीं दूंगा, यह हंस तो मेरा है। ऐसे दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा था। तो दोनों ने फैसला कर लिए। क्या फैसला कर लिए? तो राजा के पास जाएंगे, राजा ने इस समस्या का परिष्कार बताएंगे। सिद्धार्थ हंस को लेकर राजमहल की ओर चल दिए। देवदत्त भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे चलने लगा। देवदत्त ने राजा से शिकायत की, सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा है। सिद्धार्थ ने कहा,
पिताजी देवदत्त ने हंस को तीर से मारा था, वह तीर से घायल हो गया, यह मेरी शरण में आया, मैंने इसे पट्टी बांधी, अब यह मेरा हंस है। तो क्या हुआ, दोनों फैसला कर लिए ना राजा के पास जाने के लिए। तो सिद्धार्थ ने राजा के पास जाने लगा था, सिद्धार्थ के पीछे पीछे देवदत्त भी राजा के पास चले थे और दोनों भी राजा के पास गए। सिद्धार्थ के ऊपर देवदत्त ने शिकायत करा राजा को, यह हंस तो मेरा है, मेरा हंस सिद्धार्थ मुझे नहीं दे रहा है, कहता है देवदत्त। देवदत्त ऐसा कहने पर सिद्धार्थ कहता है कि नहीं पिताजी, यह हंस तो मेरा है, सिद्धार्थ ने इस हंस को मारा था, तो हंस ने मेरा शरण में आया था, मैंने इसे बचाया, मैंने इसे पट्टी बांधा, इसके दर्द कम कराया हूँ, तो यह हंस मेरे शरण में आया, इसीलिए हंस मेरा है, मैं नहीं दूंगा। ऐसे दोनों कहने पर देवदत्त बोला, नहीं नहीं, यह मेरा है, मैंने इसे अपने तीर से गिराया है। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन इसे मैंने बचाया, तो मैंने इसे बचाया। तो दोनों ऐसे ही बोलने लगा था, सिद्धार्थ ने कहा था यह नहीं नहीं, यह तो मेरा हंस है, मैंने इसे बचाया, मैंने इसका प्राण रक्षा करा। और देवदत्त कहता है कि नहीं नहीं, यह तो मेरा हंस है, मैंने इसे मारा, मैंने इसे शिकार करा, मैंने इसे मारा, तीर से मारा, मैंने इसे गिराया। ऐसे दोनों उधर भी राजा के पास भी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। राजा ने दोनों की बात सुनी, वे सोचकर बोले, देवदत्त तुम तो इस हंस को मारना चाहते थे, पर सिद्धार्थ ने इसे बचाया है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, हंस सिद्धार्थ का ही है, सिद्धार्थ तो हंस लेकर चला गया। तो राजा ने दोनों का आर्गुमेंट सुनी और वे सोचने लगे थे और सोच के बोले थे, देवदत्त तुम तो इस हंस को मारने चाहता था, मगर सिद्धार्थ ने इस हंस को बचाया था, तो मारने वाले से बचाने वाले बड़ा है, इस हंस ने सिद्धार्थ का होता है। ऐसा कहने पर सिद्धार्थ खुशी हो गए और खुशी से हंस को लेकर उधर से चला गया था। बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जीवों पर दया करनी चाहिए और किसी जीव को सताना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से आप क्या सीखे, जीवों पर दया करनी चाहिए और मूक जीवों को बचाना चाहिए।